साथियों, अपने सैकड़ों रिश्तेदारों के साथ किसी वन में एक मुर्गा रहता था। अन्य मुर्गों से वह कहीं ज्यादा बड़ा और हस्तपुष्ट भी था। उसी वन में एक जंगली बिल्ली भी रहती थी। उसने मुर्गे के कई रिश्तेदारों को मारकर खा लिया था। उसकी नजर अब उस मोटे मुर्गे पर थी। अनेक यत्न करने पर भी वह उसे पकड़ नहीं आ पा रहा था। अंततः उसने जुगत लगाई और एक दिन उस पेड़ के नीचे पहुंची जिसके ऊपर वह मुर्गा बैठा था। बिल्ली ने कहा, हे मुर्गे, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारी सुंदरता पर मुग्ध हूँ। तुम्हारे पंख और कलंगी बड़े आकर्षक हैं। तुम मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लो और तत्काल नीचे आ जाओ ताकि मैं तुम्हारी सेवा कर सकूँ। मुर्गा बड़ा बुद्धिमान था। उसने कहा, ओ बिल्ली, तेरे हैं चार पैर, मेरे हैं दो, ढूंढ ले कोई और वर। तू है क्योंकि सुंदर, होते नहीं कभी एक पक्षी और जंगली जानवर। बिल्ली ने मुर्गे को जब फिर से फुसलाना चाहा तो मुर्गे ने उससे कहा, ओ बिल्ली, तूने मेरे रिश्तेदारों का खून पिया है, मेरे लिए भी तेरे मन में कोई दया भाव नहीं है, तू फिर क्यों मेरी पत्नी बनने की इच्छा जाहिर कर रही है। मुर्गे के मुख से कटु सत्य को सुनकर और स्वयं के ठुकराए जाने की शर्म से वह बिल्ली उस जगह से तत्काल प्रस्थान कर गई और उस पेड़ के आसपास फिर कभी दिखाई नहीं।